हेलो फ्रेंड्स, आज रिपोर्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, लेंसेस एंड इट्स टाइप्स। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो लेंसेस होते क्या हैं? लेंसेस ट्रांसपेरेंट मटेरियल या ट्रांसपेरेंट ग्लास के बने होते हैं, बाउंडेड बाय टू सर्फेसेस। उन दो सर्फेसेस में से या तो दोनों ही स्फेरिकल हो सकती है या सिर्फ एक स्फेरिकल हो सकता है। तो लेंसेस ट्रांसपेरेंट lenses are made of transparent glass and transparent material. They are bounded by two surfaces. And out of these two surfaces, one can be spherical or both can be spherical. One or both can be spherical. Now lenses are used in optical instruments like DSLR cameras, telescopes and microscopes. The working of a lens is based on the refraction of light. इसका मतलब कि जो lenses होते हैं वो ना optical instruments में use करते हैं, जैसे कि microscopes, telescopes और DSLR cameras. इनकी जो working होती है वो refraction of light पे based होती है। अब जो लेंसेज होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, कंकेव और कॉन्वेक्स। देखिए, अब जो कंकेव लेंस होता है कंकेव लेंस इज थिक फ्रॉम द एजेस एंड थिन फ्रॉम द मिडिल। देखिए, ये है एक कंकेव लेंस, ये मोटा है अपने एजेस से और पतला है अपने सेंटर से, थिक एट द एजेस एंड थिन एट द सेंटर। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ये हमेशा बल्ज आउटवर्ड्स इनवर्ड्स होता है। हम जो फिगर्स में कंकेव लेंस यूज करते हैं वो हम कुछ इस टाइप से ड्रॉ करते हैं, इस टाइप से। इसे हम कहते हैं डबल कंकेव या फिर कंकेव। अब सोचिए, अगर मैं इसका एक सरफेस प्लेन बना दूं और एक सरफेस कर्व बना दूं, तो क्या ये एक लेंस है? थिंक, हाँ ये एक लेंस है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि इन की लेंस जो दो सरफेसेस से बाउंडेड होते हैं उनमें से या तो एक स्फेरिकल हो सकता है या फिर दोनों स्फेरिकल हो सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि एक सरफेस स्फेरिकल है तो ये भी एक लेंस है, इसे हम कहते हैं प्लेनो कंकेव। प्लेनो कंकेव, ये था हमारा कंकेव मिरर। और कंकेव मिरर जो होता है वो लाइट को डाइवर्ज करता है। अब अगला है हमारा, अब हम आते हैं हमारे कन्वेक्स लेंस पे। देखिए, हम जो डायग्राम्स में यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस वो हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। इसे हम कहते हैं डबल कन्वेक्स या फिर कन्वेक्स। जैसे देखिए, ये वाला लेंस ये है एक कन्वेक्स लेंस, इट इज थिक फ्रॉम द सेंटर एंड थिन फ्रॉम द एजेस। मतलब ये मोटा है अपने सेंटर से और फिर पतला हो रहा है जब अपने एजेस पर आ रहा है। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ये होगा बल्ज्ड आउटवर्ड्स, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। अब सोचिए, अगर मैं एक सरफेस प्लेन बना दूं और एक सरफेस आउटवर्ड्स बल्ज कर दूं, तो क्या ये एक लेंस है? सोचिए, ये भी एक लेंस है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि एक लेंस
के जो दो सर्फेसेस होते हैं उनमें से या एक या दोनों ही स्फेरिकल हो सकते हैं। और इस केस में हम देख सकते हैं कि ये एक सरफेस स्फेरिकल है, तो ये भी एक लेंस है। हम इसे कहते हैं प्लेनो कन्वेक्स। ये थे प्लेनो कनकेव और प्लेनो कन्वेक्स। अब ये था आज के वीडियो के लिए। आप लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, सजेस्ट करते रहे मैं वीडियो कैसे बेटर बना सकती हूँ। और आप प्लीज कमेंट कीजिए कि मैं अगले वीडियोस हिंदी लैंग्वेज में बनाऊँ या इंग्लिश में। आपको जिस लैंग्वेज में ये वीडियोस इजी और कंफर्टेबल लगते हैं मैं उसी लैंग्वेज में इन वीडियोस को बनाऊंगी। और आप नीचे वाले बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके उन वीडियोस के लिए जो मैं अपलोड करी। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।